contained four white, three red bones. बेटा एक बैग में फोर व्हाइट और थ्री रेड बोल है और दूसरे में दो व्हाइट दो रेड, दूसरे में दो व्हाइट दो रेड ब्लैक बोल है। ठीक है, जब रेड नहीं करा तब देखिए फिर चार व्हाइट तीन ब्लैक है, दो व्हाइट तीन ब्लैक है, दूसरे में दो व्हाइट दो ब्लैक, दो व्हाइट दो ब्लैक है। इनमें से एक बैग का सिलेक्शन किया, सुनो भाई, ए में से दो बॉल ट्रांसफर करी बी में। ठीक है, जाओ फ्रॉम ए टू बॉल स्टार्ट ड्रॉन एट रैंडम, पहले से दो बॉल ड्रॉ की गई एंड देन ट्रांसफर टू बी और बी में ट्रांसफर कर दी गई। ए बॉल इज देन ड्रॉन फ्रॉम द बैग बी एंड इज फाउंड टू बी ब्लैक बॉल, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी That the ball transfer ball were one white and one black ball. वही क्वेश्चन आया, देखो बेटा घुमा के आ गया फर्क, वही क्वेश्चन है ना सेम है। तो देखो क्या है, यहां से आपने दो बॉल ड्रॉ की है और दो को यहां ड्रा करके और यहां से एक बॉल कैसी ड्रॉ की है ना, ब्लैक ओनली ब्लैक है। अब यहां से एक ब्लैक बॉल ड्रॉ की, इसने कहा यदि ये ब्लैक ड्रो की है तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी कि यहां से जो है एक ब्लैक और एक रेड ट्रांसफर हुई, एक ब्लैक और एक व्हाइट ट्रांसफर हुई। क्लियर है बेटा क्वेश्चन समझोगे। अब यहां तीन सिचुएशन आपके सामने आती है, ब्लैक व्हाइट व्हाइट व्हाइट। पहले यहां से आपने अगर दो ब्लैक भेजी होती, यहां से दो ब्लैक ड्रो की, दो ब्लैक यहां आ गई तो दो व्हाइट चार ब्लैक और फिर ब्लैक गिराई होती, या यहां से दो व्हाइट आपने ड्रॉ की होती, यहां ट्रांसफर की होती तो आपके पास आ जाती चार व्हाइट दो ब्लैक और फिर आपने यहां से एक ब्लैक ड्रॉ की होती, या आपके पास क्या होता है बेटा एक व्हाइट और एक ट्रांसफर करी होती ब्लैक यहां पे तो तीन व्हाइट तीन ब्लैक और अब यहां से आपने क्या ड्रॉ की होती ब्लैक। सबको क्वेश्चन क्लियर होगा, देखो कंसेप्ट में तो डाउट है नहीं किसी को भी। तो बेटा तीन सिचुएशन E1 E2 E3 E1 डिनोट इवेंट ऑफ drawing two blackboard from first E2 beta to white board from first E3 वन व्हाइट वन ब्लैक बोल फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है भाई, इनका ड्रा करना हमने E1 E2 E3 ले लिया, इनको ड्रा करने को हमने E1 E2 E3 ले लिया। क्लियर है सभी? अब देखो बेटा ये आप क्या लेते हैं, ए डिनोट इवेंट ए डिनोट इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ब्लैक बॉल फ्रॉम सेकंड, यानी कि सेकंड से ब्लैक बॉल ड्रॉ करना, सेकंड से ब्लैक बॉल ड्रॉ करना। तो देखिए PE1 PE2 और PE3 PE1 पहले से दो ब्लैक ड्रॉ करना, दो ब्लैक
तीन में से दो अपॉन में नीचे बेटा सेवन में से दो, ठीक है। नेक्स्ट दो वाइट थ्रो करना, दो वाइट ठीक है। तीसरा एक ब्लैक एक वाइट, चार में से एक, तीन में से एक, ठीक है सर जी को बेटा। कंडीशनल प्रॉब्लम मधुर बताऊं, हमेशा मजाक का मूड नहीं होता। लक्ष्य आ रहा है समझ में? एक कंडीशनल इवन, हर्षित ऐसा नहीं है, अगर कोशिश करता है ना बंदा तो ऑनलाइन किसी भी टीचर का आ सकता है, केवल हम साइकोलॉजिकली होते हैं। चलो एक आध की तो दिक्कत किसी की मान भी दो, मैं एक कंडीशनल, एक कंडीशनली इवन ठीक है। बताओ क्या बनेगा? ए कंडीशनली इवन का मतलब, अब यहां से प्रोबेबिलिटी यदि इवन हुआ है तो, यहां से ब्लैक यदि इवन हुआ है तो, दो ब्लैक ट्रांसफर लिया तो ब्लैक की आ जाएगी 4/6। हाँ जी बेटा, ए कंडीशनली ई टू, अगर ये सीन दो व्हाइट गई है तो यहां से ब्लैक की प्रोबेबिलिटी। तीसरा क्लियर है? तक नहीं आया निकिता? अब आपको निकालना क्या है बेटा, आपसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो बाल ट्रांसफर हुई है एक व्हाइट एक ब्लैक बोल है, एक व्हाइट एक ब्लैक बोल ट्रांसफर हुई है ठीक है। तो इसका मतलब E3 की प्रोबेबिलिटी पूछी है। नहीं नहीं जी, हर बार ऐसा नहीं करेंगे। पिछली बारी वाले में क्या था भी बताओगे इसको? दो को निकालने का लफड़ा था, इसलिए वन में से तीसरी को माइनस करते थे, इसमें सीधी तीसरी निकाल देंगे। नीचे पी इवन, पी ए कंडीशनली इवन प्लस पी टू, पी ए कंडीशनली टू प्लस पी थ्री, पी ए कंडीशनली ई थ्री। लेकिन मैं समझाता हूँ तो बड़े इजी लगते हैं, बड़ा आसान तक है ना? कही जा भूख लग गई, तो वक्त भी तो करते हैं आके चलते। इतनी मोटी बुक किसकी है? अरे यार पतली थी आखिर मेरे को। हाँ भैया बुक हाथ थक जाते हैं बुक लेके। चलो ऐसा है, अब तुमने और काम करना है, ठीक है रुक जाओ भाई, इतना जल्दी मन मचाओ, मैंने तो आपको कंप्लीट करना। चलो मैं बीच में अब वही क्वेश्चन लूंगा जो जी भाई। देखो कंफ्यूजन ये है बेटा इसमें कि E1, E2, E3 पहले जो काम पहले हुआ उसको लेंगे भाई। पहले यहां से आपने बोल ली है, आप यहां से ये लेंगे या ये लेंगे या ये लेंगे, एक को E1 एक को E2 एक ले। और जिसकी प्रोबेबिलिटी इफ यानी कि बता ब्लैक अग्राही भी है उसको क्या लोगे? ए लोगे ठीक है। और देखो भाई बस भाई बोलो मन्ना, मैं इसमें दो तीन क्वेश्चन अच्छे हैं वो कराते हैं फिर छोड़ रहा हूं।
कौन सा लेंगे? फाइव मैन आउट ऑफ अंदर एक मिनट लगेगी, सुनो भाई सर उसमें लैंग्वेज का बता दो। बस मैं मानता हूँ अर्चिता परेशानी तो है, लेकिन मैं भी तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, सुबह 7 बजे मैं खड़ा हो गया था, देख लो। बेटा 14th क्वेश्चन है, सपोज दैट 5 men out of 100 एंड 25 women out of 1000 आर ओरेटर, गुड ओरेटर। ओरेटर क्या होते हैं भाई? अच्छा वक्ता। 5 आदमी 100 में से और 25 औरतें 1000 में से गुड ओरेटर है। एन ऑरेटर इज चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए मेल पर्सन इज चूजन, यानी कि मेल का चुनाव हुआ है। तो देखिए क्या है इसमें, एन ऑरेटर इज चूजन एट रैंडम, यानी कि ऑरेटर का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, आपको कई बार ना इसकी लैंग्वेज कंफ्यूज करती है, दोबारा बोल रहा हूं। एज्यूमिंग दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन, यानी कि आदमी और औरतें दोनों सेम है, तो देखो पहली तो दो कैटेगरी आती है, वैसे भी कंफ्यूजन नहीं होगा भाई, मेल और फीमेल, फिर ओरेटर आता है। तो इवन जो तू कह रहा था ना बेटा, इवन कि भी मेल का सिलेक्शन हुआ, ई टू फीमेल का हुआ और ए गुड ओरेटर, ठीक है। तो बेटा मेल और फीमेल लास्ट में एक लाइन लिख दी, दोनों इक्वल है, तो जब वो इक्वल है तो इनके सिलेक्शन के चांसेस भी इक्वल होंगे। जब दोनों इक्वल है मेल और फीमेल, तो इनके सिलेक्शन के चांसेस भी 1/2 हो गए। इसमें हमें दे रखा है कि गुड ओरेटर है, हाँ ओरेटर चूज किया भाई साहब, ये लो उसने कहा ओरेटर है मेल, अभी बता रहा हूं। उसने कहा ओरेटर का इस्तेमाल हुआ है, मतलब चूज हुआ है, बताओ वो मेल है, यानी कि इवन पूछा है आपसे, तो गुड ओरेटर का मतलब बाकी सारे ओरेटर हैं ऐसा है बेटा, ये गुड ओरेटर ही इनमें से जो चूज किया गया उनमें से गुड ओरेटर का इस्तेमाल, ठीक है, ठीक है, हाँ उनमें से ही है, अलग नहीं है। अब बोलो भाई कितना दे रखा है, 5 आदमी है 100 में से, भाई 5 अच्छे हैं, वो थोड़ा तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ना इसने, और 1000 में से कितनी है, 25 औरतें 1000 में से गुड ओरेटर है, ठीक है भाई, कोई ना भाई, मैं भी पूछा क्या है तुम्हारे से। अब देखो यहां लास्ट में फिर जाता हूं, मैं लैंग्वेज में कहीं मिस्टेक नहीं होगी, एन ऑरेटर इज चूजन एट रैंडम, यानी कि ऑरेटर का चुनाव तो कर लिया, वॉट इज प्रोबर्टी दैट इट इज ए मेल, वॉट इज प्रोबर्टी दैट इट इज ए मेल, क्लियर है, कर लोगे? पीई वन ए कंडीशनली ई वन, नीचे पीई वन ए कंडीशनली ई वन, पीई टू, ठीक है भाई। अब एक क्वेश्चन में पीछे भाई मैं थोड़ा सा ना 2-3 क्वेश्चन अच्छे अच्छे वो करा दूं, ताकि आप लोग इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर लो। इसके बाद मैन इज नोन टू, बेटा उसके बाद ये 3 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, हो गया। इन ए टेस्ट किसी टेस्ट में एन एग्जामिनी आइदर गेट्स और कॉपी और नोट द आंसर टू ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ 4 choices। एक एग्जाम में 3 ऑप्शन है, तो या तो बंदा गैस करता है तुक्का मारता है, या कॉपी करता है नकल करता है, ठीक है, या उसको आंसर पता है,
द प्रोबलिटी दैट ही मेक्स ए गैस इज 1/3, यानी कि प्रोबलिटी कि वो गैस करता है 1/3 है, एंड प्रोबलिटी दैट ही कॉपी और वो नकल करके काम करता है वो 1/6 है. द प्रोबलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट, यानी कि उसका आंसर करेक्ट है, गिवन दैट ही कॉपीड, यानी कि अगर नकल करके करता है तो उसका आंसर करेक्ट है, इसकी प्रोबलिटी क्या है इसकी बेटा 1/8.